राधे। आपका अपना प्यारा चैनल ब्रज संस्कृति के प्यारा चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रज, वंदे ब्रज वसुंधरा, ब्रज कोई साधारण भूमि नहीं है। इस भूमि पर जन्म लेने के लिए भी देवता आज भी लालायित होते हैं। पूरे विश्व का प्राण है वो ब्रज। गोवर्धन के पास मुखराई, अब ग्राम मुखराई का नाम क्या है, इतिहास क्या है, वो राधा रानी का ननिहाल है। जैसे कि आज हम अपने मामा के यहाँ बैठे हैं, तो आज हम अपने मामा के यहाँ हैं। यहाँ चरकुला नृत्य होती है, विश्व प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। आज हमारे आदरणीय, हमारे गोवर्धन विधानसभा के लाडले और प्यारे, बहुत चहेते विधायक आदरणीय श्री मेघश्याम ठाकुर जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है चैनल परिवार की ओर से। आप गोवर्धन क्षेत्र के विधायक हैं। मुखराई का जो चरकुला नृत्य का परंपरा है सर, ये परंपरा कब से चली आ रही है? देखो, मुखराई गांव का ब्रज में एक अलग महत्व है। आपने भी बताया है कि मुखराई राधा रानी की ननिहाल है, और मुखराई गांव का हमारे आध्यात्मिक पुराणों में, भागवत में, कई उसमें ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में इनका मुखराई का नाम आता है। मुखराई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राम है, और ये चरकुला नृत्य का भी, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कौन सी साल से, लेकिन बहुत पुराने समय से हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, बहुत प्राचीन समय से। मैं तो युगों को राधा रानी के समय से ये चरकुला का नृत्य चलता है, और ये अलग तरह का चरकुला का अलग तरह का यहाँ ये प्रोग्राम है। ये पूरे देश में आपको और कहीं नहीं मिलेगा, पूरे देश में केवल मुखराई से ही चरकुला का अब बनी, कोई आसपास के ब्रज में लोग सीख गए हों, लेकिन मूल जो चरकुला का नृत्य पूरे देश में मुखराई से ही शुरू हुआ है, और आज भी मुखराई के कलाकार बहुत बहुत दूर तक सरकारी प्रोग्रामों में और वैसे भी आध्यात्मिक प्रोग्राम पूरे देश में आके जाते हैं। ये चरकुला का पूरे देश में इसका नाम है। तो आदरणीय, मैं आपसे निवेदन एक और करूँगा कि आप इस ब्रज के एक छोटा सा एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं गिरिराज जी की कृपा से और ब्रजवासियों की कृपा से। ये जो मुखराई का जो चरकुला नृत्य है, वास्तव में एक अद्भुत और अद्वितीय है। आज आप मुखराई से हमारे प्यारे दर्शकों को, ये जो चैनल है ब्रज और ब्रजवासियों के लिए समर्पित है, तो इनको एक शुभकामनाएं आपके मुखारविंद से मिलनी चाहिए आज। देखो, मैं सबसे पहले तो सभी ब्रजवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपके आध्यात्मिक चैनल को भी मैं देखता रहता हूँ। इसमें पूरे आध्यात्मिक से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें चैनल पर आप दिखाते हो, और मेरी तरफ से, पूरे ब्रजवासियों की तरफ से, पूरे विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप ब्रज का प्रचार प्रसार करते रहें, हमारे सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार आपके चैनल के द्वारा और मजबूती से होता रहे, ये मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया है हमारे इस जन मथुरा जनपद के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के बहुत चर्चित विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है।